स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम में नौकरी के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में नौकरी के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां विभाग की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और गुरुग्राम की सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज कराया गया है। एक आरोपी को हालांकि गिरफ्तार भी किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पीपी गुरुग्राम के सेक्टर 31 के एक मकान से पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक शिकायत दी गई कि उनके विभाग में नौकरी के नाम पे पूरा फर्जीवाड़ा एक दफ्तर खोलकर यहाँ पर किया जा रहा है। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर पुलिस 40 पुलिस स्टेशन में 420 467 468 और 471 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया और एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। जी बिल्कुल राज, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा फर्जीवाड़े के तमाम जो मामले हैं वो सामने आते हैं। इस फर्जीवाड़े को मामले की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि FIR भी दर्ज कर ली गई है, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, कितने लंबे वक्त से ये फर्जीवाड़ा जो है वो लोगों से कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए अभी कल ही इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और पुलिस ने मामला इसमें दर्ज किया है। क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया उससे पूरी जानकारी पुलिस अपनी जांच में वो निकाल रही है और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कितने लोग इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे और ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन्होंने अपना शिकार बनाया फर्जी नौकरी के नाम पर। क्योंकि एक बड़ा कहीं ना कहीं मामला है कि एक मिनिस्ट्री में नौकरी के नाम पर साइबर सिटी गुरुग्राम के एक पौश इलाके में एक फर्जी दफ्तर खोलकर ये पूरा फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा था। खैर फिलहाल अब इस मामले में अब खुलासा हुआ है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि इससे जुड़े बाकी लोगों को भी जल्द पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो। बिल्कुल राज, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पानीपत में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। इंदिरा कॉलोनी में मां बेटी की हत्या की गई है। तेज धार हथियार से मां बेटी की हत्या की गई है। 11 दिन पहले भी इसी घर में महिला के प्रेमी की भी हत्या हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला के बेटे ने की थी हत्या और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए, इसी घर में महिला के प्रेमी की हत्या हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि महिला के बेटे ने ही यह हत्या की थी, लेकिन अब महिला और उसकी बेटी की भी हत्या हुई है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पानीपत की इंदिरा कॉलोनी का यह मामला है जहां पर कल देर रात को डबल मर्डर का जो मामला सामने आया जिसमें महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। और जो देखने में आया, पुलिस ने जानकारी दी है कि इन दोनों पर चाकुओं से वार किए गए हैं, जिसके बाद जो आरोपी है वो वहां से फरार हो गया और आसपास के एरिया में जो आवाज न जाए इसीलिए जो हत्यारे थे उन्होंने टीवी चलाया और टीवी की बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर दी ताकि जो आवाज बाहर न जाए। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद मौके से फरार हो गए। लेकिन अभी जो फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इतने ये हत्या किस बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो कुछ दिन पहले इसी घर में महिला के प्रेमी की भी हत्या की गई थी, महिला के बेटे ने यह हत्या की थी और अब महिला और उसकी बेटी की भी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर प्रदेश के जिलों में खनन गतिविधियां फिर से होगी शुरू। तो प्रस्ताव मंजूरी के लिए सीएम के पास ये भेजा गया है। खनन के लिए निकाला जाएगा ऑनलाइन टेंडर। तो दूसरे राज्य से यमुना रेती महंगी आती है, खनन मंत्री ने ये कहा है। पूरे प्रदेश के लिए एक ऐप तैयार किया जाएगा और ऐप के जरिए ओवरलोड वाहनों पर कसा जाएगा शिकंजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खनन के लिए निकाला जाएगा ऑनलाइन टेंडर। तो फरीदाबाद और पलवल से होगी खनन की शुरुआत।
क्या है कि हमारे फरीदाबाद का, पलवल का लंबे समय से जो जो अपना रीति का है, ये खनन बंद था और कई बार ये कोर्ट में गया था। उसके बाद खनन के जो रास्ते हैं उसे हम खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जो फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद हम जल्दी पलवल और फरीदाबाद के खनन को खोलेंगे और सरकार के राजस्व लाभ मिलेगा और खनन माफिया पर लगाम लगाने का काम होगा। नहीं, वो तो क्या है कि वो तो मंजूरी मिलने के बाद इससे लाभ मिलेगा, जो माफिया है खनन माफिया से लगाम लगेगा, आम लोगों को सस्ते रियायती दरों पर रेती मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश से आती है या दूसरे माफियाओं के थ्रू जो रेती बिकती है, लोगों को मकान बनाने में, सड़कों पर काम करने से लोगों को, आम व्यापारी को लाभ मिलेगा और खनन माफिया के लगाम लगेगा और सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। ऑनलाइन जैसे की बिल्डिंग करनी है, खनन अलॉट नहीं होगा, खनन को हम ऑनलाइन बिड़ोगे, ऑनलाइन इसकी बोली लगेगी और बोली के लगने जो सबसे बड़ी बोली देगा उसी को माइनिंग महकमा उसी को देगा। ऐप से इस तरह के जो ऐप हैं, जैसे मान लो कोई लोडिंग होकर जा रहा है, खाली करके जा रहा है, जहां ई रवाना कटेगा वहीं ऐप पे डाल देंगे भी ये ट्रक भर के गया, इतने समय वापस आ रहा है, कोई ट्रक को ये नहीं कहेगा कि मेरे ट्रक तो बंद हो गया। कई बार तरह तरह के आरोप लगते हैं, ऐप में सारी चीज़ जानकारी विभाग को रहेगी कि कौन सा ट्रक कब गया, कब भरा है, कब खाली हुआ, कब आएगा। चलिए अब रुक करेंगे, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुरुक्षेत्र के लाडवा में फ्रूट एक्सपो का उद्घाटन हुआ है, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जींद में पीटीआई टीचर्स को सर्वखाप पंचायत का समर्थन दिया गया है, बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के मुद्दे को लेकर। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जींद में पीटीआई टीचर्स को सर्वखाप पंचायत का समर्थन मिला है, बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के मुद्दे पर ये रैली हो रही है और साथ ही यहां पर समर्थन मिला, रैली में भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं लोग। उसी दौरान की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सरकार से बहाली की मांग कर रहे हैं पीटीआई टीचर्स, लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिनमें पीटीआई टीचर्स को सर्वखाप पंचायत का समर्थन भी मिल गया है, बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के मुद्दे पर ये रैली हो रही है, काफी तादाद में यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है। तो सरकार से बहाली की मांग कर रहे हैं पीटीआई टीचर्स। तो फिलहाल इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है और यही वजह है कि तमाम जो समर्थन है मिलता हुआ नजर आ रहा है पीटीआई टीचर्स को, पीटीआई टीचर्स को सर्वखाप पंचायत का समर्थन भी मिला है, बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के मुद्दे पर ये रैली की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रैली में भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं लोग। वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा में फ्रूट एक्सपो का उद्घाटन किया गया, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया है उद्घाटन। आपको बता दें कि आम, नाशपाती, लीची, अनार का 5 दिन तक ये मेला लगेगा और साथ ही मेले में 275 किस्म से ज्यादा के आम होंगे। पंचकुला में नहीं हो रहा है मैंगो मेला, तो कोरोना के चलते पंचकुला में मैंगो मेला जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन फ्रूट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। मेले में 275 किस्म से ज्यादा के आम होंगे, उनकी क्वालिटीज होगी आम की और साथ ही पंचकुला में इस बार मैंगो मेला नहीं हो रहा। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसका उद्घाटन किया, उसी दौरान की तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा बागवानी विभाग पिछले बहुत सालों से इंदौर के अंदर एक आम का मेला इस मौसम में लगाते रहे हैं। इस बार इस मेले को हम इंदौर एक शहर से निकाल के खेत में लेके आ रहे हैं, जो आपके सामने है, और एक फल से सीमित ना रखते हुए एक फल पे भिन्न भिन्न जो हमारे इलाके के अंदर आम का है या लीची का है, नाशपाती का है, आलू का है, किसी भी तरह के जो अलग अलग तरह से फल हैं, उन सभी का प्रत्येक दिन एक फल को लेकर प्रदर्शनी करेंगे। हर चीज़ के अंदर बागवानी के अंदर नंबर वन होगा, हालांकि हमारा क्षेत्र थोड़ा सा कम है दूसरे प्रदेशों को देखते हुए। दूध उत्पादन प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन है वही हम 2 नंबर पे हैं, वो भी हम नंबर वन पे होंगे, और इनलैंड फिशरीज के अंदर उसके अंदर भी हमारा लक्ष्य रखा हुआ विभाग को नंबर वन पर रहे।
तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया है उद्घाटन, फ्रूट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। आम, नाशपाती, चीनी अनाज, तमाम जो फ्रूट्स थे वो वहां पर मौजूद। और साथ ही आपको बता दें, खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे, फतेहाबाद में 10वीं की छात्र ने खुदकुशी कर ली है, छात्र ने नहर में कूद कर दी है जान। तो 16 जुलाई से लापता था युवक लवप्रीत, 10वीं में 2 विषयों में फेल हो गया था और फतेहाबाद के गांव सहनाल के 17 साल के युवक ने 10वीं के 2 पेपरों में फेल होने के चलते आत्महत्या कर ली। मृतक लवप्रीत का शव फतेहाबाद की भाखड़ा नहर से बरामद किया गया है, 16 जुलाई से ही लापता था, तो शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक लवप्रीत 10वीं के 2 पेपर में फेल हो गया था, जिसके चलते वो डिप्रेशन में था और यही वजह है कि इतना बड़ा कदम उठाया, नहर में कूदकर छात्र ने अपनी जान दे दी। 10वीं की परीक्षा के जो परिणाम है हाल ही में घोषित हुए हैं और ऐसे में लवप्रीत की अगर बात की जाए, 2 विषयों में फेल हो गया था लेकिन डिप्रेशन में चल रहा था और यही वजह है कि घर से 16 जुलाई से ही लापता था। हालांकि 10वीं में 2 विषयों में फेल होने के बाद से ही छात्र डिप्रेशन में चल रहा था, तो नहर में कूदकर छात्र ने अपनी जान दे दी है। फतेहाबाद के 10वीं कक्षा का ये छात्र था, फतेहाबाद के स्कूल में पढ़ता था, 16 जुलाई से लापता था लवप्रीत। तो नहर में कूद कर दी है जान, फतेहाबाद में 10वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली है और काफी वक्त से डिप्रेशन में था, क्योंकि 10वीं के जो नतीजे घोषित हुए थे उसमें 2 विषयों में फेल था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एलानाबाद के गांव खारी सुरेरा में डिपो होल्डर द्वारा गला सड़ा गेहूं बांटने का मामला भी सामने आया है। लोगों ने डिपो होल्डर पर खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि डिपो होल्डर द्वारा हर बार लोगों को गली सड़ी गेहूं बांटी जाती है और वहीं दालचीनी डिपो से बांटी जाती है, उसमें भी नमी होती है। ग्रामीण इसकी शिकायत कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को कर चुके हैं लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने भी आरोप लगाया कि डिपो होल्डर अधिकारी आपस में मिलीभगत करके घटिया किस्म का जो राशन है वो बांट रहे हैं, तो गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। आपको बता दें कि एलानाबाद में गरीबों के निवाले पर ये डाका डाला जा रहा है और साथ ही सड़ा गला अनाज लोगों को बांटा जा रहा है। वो कणक गलत बांटता है, कणक देखो गलेड़ी कणक है, मैं दबायो कि कितना रस ने आप बांटे हैं, मैं पर्चिया मेरा हाथ में है, मैं माफ नहीं हो कणक की गलेड़ी देख लियो जी। कितने दिनों से बन रही है? कल से बन रही है जी, मैं तो आज मौके पर आया हूँ, पर्ची में माफ नहीं हूँ, तो देख के कणक की बंटड़ी मैं ली कोनी। वो बोल रहे जी पाइयो कणक खराब नहीं है, कणक मौके पर देखो। कौन कौन आया था? अशोक इंस्पेक्टर है, वो यहाँ के गए हैं, आगे यहाँ मौके पर गए, पहियो कणक खराब नहीं है, यह कणक देख लियो, कणक तो खराब है, कणक सारी खराब है, काल बंटी है, कितनी बंटी है जी? ये पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं जी, हर महीने बार कर जी, हर महीने बार करे जी। ये पहले शिकायत आई थी आपने सीएम लोग लगाई थी? हाँ, वो इसमें दोषी माना गया सर, दोषी माना गया, जांच में शिकायत सही पाई गई है, विनोद कुमार डिपो होल्डर दोषी है, इस प्रकार वही की जाए। ये कब लगाई थी आपने? 2017 में। अच्छा, उस टाइम, उसके बाद दोषी माना गया इसी मामले में? इसी मामले में मेरा गेहूं खा गया था, वो पिछला मेरा गेहूं खा गया मेरे पास। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिवानी के लोगों को डाकखाने से गंगा जल मिल पाएगा, इसकी कीमत 30 रुपए होगी और कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में जाकर 30 रुपए में गंगा जल ले सकता है, जो कि 250 ml की बोतल में मिलेगा। और इस बार अगर बात की जाए, कोरोना महामारी के चलते कावड़ लाने हरिद्वार कावड़िए नहीं जा पाए, शिवरात्रि का पावन दिन भी अब आने वाला है और ऐसे में डाक विभाग ने हरिद्वार से ही गंगा जल 250 ml की जो बोतल है उसमें मंगवाया हुआ है। लोग डाकघर में जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से गंगा जल ले सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित भी कर सकते हैं। तो कोरोना के चलते इस बार कावड़ यात्रा नहीं निकाली गई है, कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई और इसी कड़ी में आप पोस्ट ऑफिस से गंगा जल मिलेगा। तो 30 रुपए में 250 ml की बोतल मिलेगी, पोस्ट ऑफिस में जाकर इसे लिया जा सकता है। इस बार कावड़ यात्रा पर रोक है और जिसके चलते ये फैसला लिया गया कि श्रद्धालुओं को, भक्तों को अब गंगा जल मुहैया कराया जाएगा, पोस्ट ऑफिस से ये गंगा जल मिलेगा, 30 रुपए इसकी कीमत है, 250 ml की ये बोतल होगी।
पोस्ट ऑफिस में जाकर ये गंगा जल प्राप्त किया जा सकता है। 30 रुपए इसका दाम है और इस बार कावड़ यात्रा पर रोक है कोरोना महामारी के चलते। रुक करेंगे इसी बीच बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सोनीपत में 24 घंटे में 81 नए केस आए हैं सामने। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सोहना में लॉकडाउन का पहला दिन है, हालांकि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा। बाजार दुकानें बंद दिखाई दी। तो दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना का कहर लगातार जारी, मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सोहना में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, हमारे संवाददाता ने सोहना जाकर लिया है जायजा। सोना इलाके में कोरोना वायरस का संक्रमण ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि पूरी तरह से बाजार भी बंद रहेंगे और व्यवसायिक गतिविधि नहीं चलेगी। इस वक्त मैं सोना के बाजार में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुनसान पड़ा ये बाजार, सभी दुकानें बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खोलने की अनुमति यहां दी गई है। एक मेडिकल स्टोर आप देख सकते हैं कि खुला हुआ है, और क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज को लेकर ये निर्णय लिया गया था कि जब लॉकडाउन की स्थिति में यहाँ एसेंशियल सर्विसेज खोली जाएंगी। इसके अलावा जो भी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए अस्थायी प्रबंध भी किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, किसी तरह से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 28 जुलाई तक इस तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि इस वक्त बाजार को पूरी तरह से बंद किया गया है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि शुरुआती दौर में यही एक ऐसा इलाका था जहाँ से सबसे ज़्यादा मामले सामने निकल कर आए थे, और इसी को ध्यान में रखा गया, क्योंकि जब टेस्ट यहाँ किए गए तो एंटीजन टेस्ट किए गए, उसके बाद जो आंकड़ा निकल के आया तो बड़े स्तर के ये आंकड़े यहां से निकल कर आए थे। सबसे ज्यादा मामले यहां लगातार बढ़ रहे थे, और इसी बात को लेकर जब आपस में जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनसे चर्चा की गई, इस पर मंथन किया गया, तो यही निकल कर आया कि मामले जो हैं वो लगातार इसी कारण बढ़ रहे हैं कि जो संक्रमण है एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। क्योंकि अब लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप जब बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करें, घर के अंदर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। अभी भी आप कुछ चुनिंदा लोगों को देखेंगे तो मास्क लगाकर ही बाहर निकले हुए हैं, और इन लोगों से भी लगातार यही अपील है कि कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति अब बनी हुई है, इस बीच इस संक्रमण को यही रोकना है, इस को ब्रेक करना है, तो यही कोशिश हर व्यक्ति को करनी होगी कि वो अपनी जिम्मेवारी समझे, किसी तरह से बेवजह घर से बाहर ना निकले, और इस संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ अपनी जिम्मेवारी को भी समझे। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से सोना के इस इलाके को जिस तरह से लॉकडाउन के मार्फत अब यहाँ संक्रमण रोकने की कोशिश की गई है, तो उस बीच लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि अनलॉक 2 के बाद जिस तरह की व्यावसायिक गतिविधियाँ थी वो सभी शुरू हो गई थी, सामान्य तौर पर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर जो 28 जुलाई तक सोना में लॉकडाउन किया गया है तो उसको लेकर स्वास्थ्य के लिए वो ठीक रहें, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और वो अब जब प्रशासन ने यह निर्णय लिया है तो इन नियमों के तहत लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें और प्रशासन की सहायता करें। बिस्तोमर के साथ देवीर भारद्वाज। झज्जर के गोला कला गांव में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सुंदर गांव में ही खेती बाड़ी का काम करता था, देर रात गांव के स्टैंड के पास उसकी गोली मारकर हत्या की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे, बहादुरगढ़ में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो घर से बाहर घूमने निकला हुआ था मृतक, गोली मारकर उसकी हत्या की गई। पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पुरानी रंजिश का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो उस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, बहादुरगढ़ में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यमुनानगर से। उत्तर प्रदेश के लिए शराब की तस्करी करते दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक जो है कार में शराब भरकर उत्तर प्रदेश ले जाकर बेचते थे। यमुनानगर की सदर पुलिस के कलानौर चौकी प्रभारी ने कलानौर में नाका भी लगाया। पुलिस को सूचना थी कि इस क्षेत्र से वाहनों में शराब की तस्करी होती है और इसी के चलते एक लाल रंग की कार को रोका गया, तो इस कार में से दो युवक हिरासत में लिए गए और साथ ही कार में 25 पेटी देसी शराब भी बरामद हुई है। तो ये लोग उत्तर प्रदेश जाकर शराब को बेच जगदीप सिंह के राजेंद्र सब इंस्पेक्टर राजेंद्र चौकी इंचार्ज जगदीप सिंह द्वारा नक्सल लगाया हुआ था, तो इनको मुखबरी मिली है। ये गाड़ी यमुनानगर की तरफ से यूपी में शराब से लोड होकर जा रही है। इन्होंने गाड़ी को काबू किया, उसमें से दो लड़के यूपी के रंडौल गांव के मिले हैं और गाड़ी को चेक करने पर उसमें से 25 पेटी शराब देसी मिली। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।